फिल्में यानी रंग बिरंगे सपने, हंसाते हुए, रुलाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, हर तरह के सपने। देख के नहीं चलते? क्या बात करती हूँ, देख कर ही तो चल रहा था। दूर से देख रहा था, पास से देख रहा था, अच्छी तरह देख रहा था और आप ही को देख रहा था। अंधा कहीं का। इन सपनों में रंग भरने वाले लोग जिन्हें हम कलाकार कहते हैं, कुछ यादें बने, कुछ ने हमें यादें बना लिया। तब तो इसी में होगा। क्या? जो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? जो खो गया है। क्या खो गया है? जो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? जो खो गया है। क्या खो गया है? जो ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? जो खो गया है। क्या खो गया है? फिल्मी दुनिया में कब किसके सितारे बुलंदी पर पहुँच जाए और कब गर्दिश में चले जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। सिल्वर स्क्रीन पर अपना वजूद छोड़ जाने वाले कितने ही कलाकार हैं जो हमेशा हमेशा के लिए गुमनामी में गुम हो गए। आज हम एक ऐसी भूली दास्तां लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। मैं भी जवां, दिल भी जवां, कैसी सुहानी रात है। स्मृति विश्वास 1930 से लेकर 1960 के दशक की वो एक्ट्रेस जिनके कदमों के निशान आज भी कहीं ना कहीं बाकी हैं। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने बदल जाएंगे। लेकिन शायद हमने उन्हें भुला दिया। तीस में संध्या फिल्म से स्मृति विश्वास को एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट ब्रेक मिला। तब स्मृति विश्वास की उम्र करीब 10 साल की थी। जो गुरु होते ना, जो डांस करती थी मम्मी, उन्होंने मम्मी को एक एड देखा था दलचुक पंचोली का। जब मम्मी किसी को उस जमाने पर एक नई लड़की चाहिए पिक्चर के लिए, वो आदमी ने मेरी मम्मी के डैडी से बात की कि भी वो लोग डरते थे ना भाई, फिल्म की दुनिया में जाएगी लड़की छोटी क्या हो जाएगी, डर लगता है माँ बाप को। तो वो बोले नहीं डोंट वरी, मैं जाऊंगा साथ में। तो वो लाहौर गए थे वो सब तब। तो रात भर मेकअप करके बैठे, नेक्स्ट डे स्क्रीन टेस्ट होता था कि लड़कियों को, वो लिया था और शी वॉज पास इमीडिएटली। फर्स्ट फोटोग्राफ वो है मेरे का, फोटो आपको दिखाता हूँ। शी वॉज सो ब्यूटीफुल इन द फोटोग्राफ। उसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने 1930 से लेकर 1935 तक कई बंगला और हिंदी फिल्मों में काम किया। जिसमें ढूंढो और काबेरी उदय प्रताप सिंह के डायरेक्शन में बनी। इनके अलावा उन्होंने बंगला फिल्मों के एक और बड़े नाम मृणाल सेन के साथ काम किया। कुछ दिनों बाद वो लाहौर चली गईं, जो कि उस वक्त हिंदुस्तान में ही था, जहां उन्होंने 1940 से लेकर 1947 तक कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिसमें थी जे के महेश्वरी की रागिनी, डीएम महेश्वरी की धमकी, एसडी नारंग की नई भाभी, यही है जिंदगी से लेकर रूपरेखा तक। तकरीबन 7 फिल्मों में इन्होंने लीडिंग लेडी के तौर पर काम किया। ये भी कोई गाना है? आहा, जैसे कि एक तुम्हारे ही प्रांत का संगीत अच्छा है। संगीत ही क्यों, हमारी संस्कृति पर तो सारे देश को नाज है। जिसमें ज्यादातर फिल्में एसडी नारंग के साथ की, जिससे दोनों के बीच एक भावनात्मक संबंध भी बन गया। नेहरू जी का फर्स्ट इलेक्शन, ये मैं हूँ। ४७ में देश ने खून से सने पार्टीशन का मंजर देखा। तब वो कलकत्ता चली आई। कलकत्ता में वो जो मास्टर जी था जो लाहौर लेके गए थे, उन्होंने उनको हेल्प किया था। वो मेरे नाना जी को घर मालूम था ना, रहते मालूम पड़ता है। फिर उनको घर मिला, फिर देन मम्मी ने
बंगाली फिल्में चालू की। व्यक्ति कथा सुधाई शुधु तुम्हारे बोलो कोथाय तुम्हारे देश तुम्हारे नहीं के चलार शेष ओ नदी रे। तो मम्मी ने बंगाली फिल्म करते करते मम्मी फिर बॉम्बे गई, उनको मिले अशोक कुमार और शारदन मुखर्जी, एस मुखर्जी, जिसका फिल्मी स्थान फिल्मालिया स्टूडियो था। कहाँ चल दिया चोरी चोरी? मैं अभी आता हूँ। नहीं, हमें अकेला छोड़कर तुम नहीं जा सकते। देखो हमारा सिंगर इस लिबास में हम कैसे लगते हैं? उड़न खटोला। उड़न खटोला? You're naughty fella. You're naughty baby. आप बैठ कर मीठी मीठी बातें करें। मेरा मुंह बहुत कड़वा है आज। थोड़ी सी चीनी खा लो, मीठा हो जाएगा। तुम बैठो, मैं अभी चीनी खा कर आता हूँ। Oh no, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलिए। 1947 से लेकर 1951 तक उन्होंने लगभग 29 बांग्ला और हिंदी फिल्मों में काम किया। अच्छा जी। उस वक्त उनको बड़े बड़े नामों का सहारा मिल रहा था, जैसे बीमल रॉय, मृणाल सेन, जौहर गांगुली और हेमंत कुमार। लता, मैं तुम्हें कंगोठी पहनाना चाहती हूँ। क्यों, कोई खास जरूरत है? तुम नहीं समझते, कवियों ने खूबसूरती के बारे में बहुत सी कविताएं लिखी, लेकिन इन नन्ही और नाजुक उंगलियों के बारे में तो कुछ नहीं। विदाई, उपोब्दा, अभिमान, निराचार, अनुराग, अबू हसन, छाया पाठ, चिट्टा गांव, एक औरत, मुक्ति, बिरेश लाहिरी और मिनोती जैसी तमाम हिंदी और बांग्ला फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे। धीरे धीरे दुनिया उनकी अदाकारी की कायल होती जा रही थी और वो लोगों के दिलो दिमाग में घर बनाती जा रही थी। ये अपनी मौत से सवाल कर जो तुझे यहाँ लाई है। लेकिन मैं तो बेगुनाह हूँ। जो भी सामरी की सरहद में दाखिल होता है जिंदगी वापस लेकर नहीं जा सकता। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं अपने आका सामरी से गद्दारी नहीं कर सकती। मुझे अपने आका सामरी के लिए ही छोड़ दो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तुम्हें छोड़ दिया जाएगा लेकिन जान लेने के बाद। अब तक स्मृति विश्वास एक बड़ा नाम बन चुका था। चंद्रशेखर, राज कपूर, देवानंद, किशोर कुमार, बलराज साहनी और सुनील दत्त, जॉनी वॉकर, भगवान दादा जैसे नाम उनके साथ जुड़ चुके थे, उनके साथ काम कर रहे थे। दीवाना दिल गाए, अब मुझसे रहा ना जाए, ये वक्त प्यार का, दिन बहार का, जाके फिर न आए। लगता नहीं मैं, मैं लगता नहीं। एक कलाकार के तौर पर उन्होंने हर तरह की भूमिकाएं निभाई, कॉमेडी, ड्रामा, इमोशनल, एक्शन, रोमांटिक, उन्हें जो कुछ भी कहा गया उन्होंने पूरी ईमानदारी से निभाया। इसीलिए वो जल्द ही सबकी चहेती और हर फिल्म की जरूरत बन गई थी। बलम क्यों दूर जाए तू, मोहब्बत में है जिंदगी, पहली नजर में दिल में जिगर में जलवों का रंग भर ले। जिंदगी तो चलते रहने का नाम है, यहाँ तो भाग रही थी। और एक के बाद एक स्मृति विश्वास नए नए आयाम हासिल कर रही थी। जरा ये तुम मेरे बालों में लगा दो प्लीज। हिंदी सिने जगत के मशहूर फिल्म मेकर्स उन्हें कास्ट कर रहे थे। एक ग्रुप सा बन गया था, नरगिस, नूतन, मधुबाला और सुरैया जैसी दिग्गज हीरोइंस के साथ स्मृति विश्वास की टोली जब मुंबई की सड़कों पर निकलती थी तो एक अजीब सा हंगामा हो जाता था। ये नरगिस जी, देखो मेरा बर्थडे छत पे हुआ था, फर्स्ट बर्थडे। नरगिस, निरूपा रॉय, श्यामा, हेमंत कुमार, गुरुदत्त और गीता दत्त के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही
आज स्मृति विश्वास के अलावा वो सभी हस्तियां मौजूद नहीं हैं। मेरी मम्मी आज 97 में चलती हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उनके टाइम को कोई आर्टिस्ट नहीं है, एक ही आर्टिस्ट है कामिनी कौशल, जो कबीर सिंह फिल्म में दादी का रोल किया था। स्मृति विश्वास की जिंदगी के सभी किस्से कमाल के हैं। थैंक यू। आप मिस्टर जॉनी? ओह यस। आपको मॉडल की जरूरत है? ओह यस। फिल्म इंडस्ट्री द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच में भी वो खुलकर हिस्सा लेती थी। उन दिनों उनकी फिल्म धमकी का गाना जवानी मस्तानी इतना सुपरहिट हुआ था कि मुंबई के तांगे वाले इसी गाने को गुनगुनाया करते थे। जवानी मस्तानी है, जवानी मस्तानी है, पग पग ठोकर खाए बादलाए, हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय जवानी मस्तानी है। जब उनकी बेस्ट फ्रेंड गीता रॉय की शादी गुरुदत्त से हुई, तब उन्होंने बड़ी मस्ती में ढोलक भी बजाया था। अपने स्मृति वन में जाकर वो एक कमाल का किस्सा बताती हैं। हम लीडो सिनेमा में एक दृश्य की शूटिंग कर रहे थे। मुझे देव को थप्पड़ मारना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तब देवानंद ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे दिखाया कि मुझे ये कैसे करना चाहिए। वो एक आदर्श सज्जन थे। देवर, इसका लास्ट पिक्चर मिला था। स्मृति विश्वास एक पूर्ण कलाकार थी। वो एक उत्तम डांसर थी, कॉमेडी क्वीन थी और हीरोइन के साथ साथ एक मादक वैम्प भी थी। जहाँ तुम हो वहीं बैठने को जी चाहता है। जहाँ गुड़ होता है वहीं मक्खी बैठती है। मैं मक्खी हूँ? नहीं, मक्खा। यू नॉटी फेलो। राज कपूर की होली उन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में रहती थी और स्मृति जी ने भी यहाँ बहुत होली के रंग खेले। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाने वाली मशहूर अदाकारा मीना कुमारी से स्मृति जी की अच्छी दोस्ती थी। दोनों ने चांदनी चौक फिल्म में साथ में काम किया था। चांदनी चौक में मम्मी थी मीना कुमारी जी, उसने मम्मी का रोल एज ए डांसर और एज ए कैरेक्टर आई बहुत बड़ा था। तेरा दिल कहाँ है, सब कुछ यहाँ है। मीना कुमारी उर्दू में बहुत अच्छी शायरी लिखा करती थी और वो हम सहेलियों को सुनाया भी करती थी। कैसा शोर है जो भी आवाज फैला है। स्मृति जी कहती हैं कि मीना कुमारी हमेशा प्यार की तलाश में थी, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार शायद कभी नहीं मिल पाया। जब गुरुदत्त का निधन हुआ, तब आखिरी बार स्मृति जी मीना कुमारी से मिली। इसके बाद वो अपनी सहेली को कभी भी नहीं मिल पाई। स्मृति उन दिनों राज कपूर से आकर्षित थी, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि राज कपूर
अपनी कहानियों में ही जीते थे और खोए हुए रहते थे। फिर उनकी जिंदगी में आए बलराज दत्त उर्फ सुनील दत्त, जो रेडियो पर अनाउंस करते करते अचानक फिल्मों में आ गए। उनके और स्मृति के बीच प्यार इतना गहरा हो गया था कि बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन बात फाइनल नहीं हो पाई। इसी तरह सदाबहार अभिनेता देवानंद से भी स्मृति जी का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल सका। हालांकि उनसे बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन देवानंद की राशि कुंभ थी और वो अपने अंदाज में ही जिंदगी जीते थे। स्मृति एक क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट मान्यता रखने वाले परिवार से थी, जिनकी शादी की कुछ शर्तें थी जिनको देवानंद पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कई बार ऑफर दिया और इंतजार भी किया, लेकिन स्मृति विश्वास का कोई जवाब ना पाकर उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली और ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया। जीवन के नैया के खेवन हार बने और नैया मझदार में छोड़कर कहते हो कि समझो हम दरिया में गिर पड़े और तुम कहते हो कि दामन भी ना भीगे। इसी बीच एसडी नारंग साहब ने स्मृति विश्वास के कहने पर ही अंधेरी में एक प्रोडक्शन हाउस कम स्टूडियो खोला और अपना फिल्मों का कारोबार मुंबई से ही शुरू किया। इस बीच स्मृति की नजदीकियां एसडी नारंग से बढ़ी, बहुत पुराना साथ हो गया था। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। आखिरकार 1960 में नारंग के साथ स्मृति जी ने विवाह कर ही लिया और उसी दिन से फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से वो हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गईं। इसी शर्त में नारंग साहब ने उनसे शादी की थी, डोंट लुक बैक इन द फिल्म। और एक नारंग साहब की खास बात बता दूं, मम्मी ने जितने साइनिंग अमाउंट लिए थे उस जमाने के प्रोड्यूसर से, नारंग साहब ने उनको वापस किया था। इसके कारण में वो कहती हैं, नारंग साहब ने मुझसे कहा था, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हें फिल्में छोड़नी होंगी, मुझे एक्ट्रेस नहीं पत्नी चाहिए। स्मृति जी ने इस वादे के साथ नारंग साहब से शादी कर ली। इसके बाद वो कभी किसी फिल्म के सेट पर नहीं गईं। फिर मेरे नारंग साहब ने मम्मी को बोला कि यू आर द ओनली वुमन हु हैव सपोर्टेड माय करियर टू पुश अप इनकम। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता। ओए हम है तेरे दीवाने, चाहे ले जा जेल खाने। इस तरह उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म जो पूरी की वो थी मॉडर्न गर्ल, जिसमें जॉनी वॉकर उनके हीरो थे। उन्हीं दिनों नारंग साहब की फिल्म अनमोल मोती, जो हिंदुस्तान की पहली अंडरवाटर मूवी थी और जिसमें बबीता और जितेंद्र लीड में थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस फिल्म की शूटिंग उनके बंगले के स्विमिंग पूल में हुई थी। फिर भी स्मृति जी शूटिंग देखने तक नहीं गईं। उन्होंने पार्टियों में जाना भी बंद कर दिया। वो घर पर रहकर ही बहुत खुश थीं। वो पेंटिंग करती, लिखती, खाना बनाती। अपनी शादीशुदा जिंदगी में वो बहुत खुश थी। आज भी अपने पति को याद करके उनकी आंखें बार बार भर आती हैं। अपनी यादों में खोकर ये अदाकारा कहती हैं कि नारंग साहब बड़े ही चरित्रवान व्यक्ति थे, शूटिंग से घर और घर से शूटिंग। ये वही स्मृति विश्वास थी जिनके पास उस वक्त पर इम्पाला कार थी और उन दिनों पूरे बॉम्बे में केवल 4 इम्पाला कार हुआ करती थी। नूतन का शादी में बहुत एंजॉय किया। नारंग साहब ने 2 गाड़ी भेजा था बॉम्बे में, इम्पाला मेरा ख्याल 2 ही था। 3 था, 3 था। तो नूतन बोले डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोला कहा जाता है जब एक्ट्रेस नूतन की शादी हुई तो उनकी शादी में स्मृति जी की वही इम्पाला कार 7 दिनों तक इस्तेमाल की गई। वो जो हमेशा हंसती थी, खिलखिलाती थी, एक अच्छी पेंटर, एक अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी, एक अच्छी स्विमर
बेहतरीन अदाकारा जिसने हमेशा एक हाई प्रोफाइल लाइफ जी हो। उस एक्ट्रेस ने अपने आप को घर की चार दीवारी में कैद कर लिया था, क्योंकि 1960 में उनके घर खुशियों का सूरज चमका था। एक चांद से बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम बड़े ही प्यार से राजीव रखा गया। लेकिन अब शायद किस्मत ने अपना खेल पलट लिया था। बेटे को एक ऐसी बीमारी ने अपने कब्जे में ले लिया था जिसने स्मृति को अपने ही घर में कैद करके रख दिया था। नारंग साहब और मेरी मदर को हम लोग को पालने में बहुत ही तकलीफ हुई। फर्स्टली व्हेन आई वाज बोर्न एट दैट टाइम मदर के जो फ्रेंड थे नरगिस जी, नरगिस दत्त, निरुपा रॉय जी, बेगम पारा जी, दिलीप कुमार की भाभी हैं वो, कामनी कौशल, उनकी फिल्म भी की, उनको छोड़ना पड़ा बिकॉज फैमिली लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो गई थी मदर। 7 years उन्होंने बाहर का सूरज नहीं देखा था। All the doctors used to come every second she used to feed me milk and this part was my not born she was for pipe feeding milk देते थे। और फिर 1962 में दूसरे बेटे सत्यजीत ने जन्म लिया। उसकी भी बीमारी ने स्मृति को और उलझा दिया था। डॉक्टर ने मेरी मदर को बोला था कि डोंट गो फॉर मच चिल्ड्रन बिकॉज ऑलरेडी वन प्रीमैच्योर होता है ना तो ऑल द चिल्ड्रन विल बी प्रीमैच्योर। स्मृति जी ने इसे ही किस्मत माना और पूरी शिद्दत के साथ उन दोनों बच्चों की देखभाल की। मदर ने सारा जिंदगी उनका फिल्म, उनका पेंटिंग का शौक सब कुर्बानी दी बच्चों को पालने के लिए। 7 साल, जी हाँ, पूरे 7 साल स्मृति ने घर के बाहर का सूरज नहीं देखा था। नारंग साहब फिल्में बनाते गए, कुछ चली कुछ फ्लॉप हुई। वक्त ने फिर करवट ली, धीरे धीरे वो सब हाथ से निकलता जा रहा था रेत की तरह जो उन्होंने कमाया था। 1983 से 1986 तक नारंग साहब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे, यहां तक कि उन्हें 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 लाख में बेचनी पड़ी। जिनको कभी मदद के नाम पर उधार दिया था वो भी वापस नहीं मिला। और फिर 1986 में ही नारंग साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। धीरे धीरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने रंग बदलने शुरू कर दिए। उनका सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगा। यहां तक कि उनका मुंबई के पॉश एरिया वाला जुहू का बंगलो भी हड़प लिया गया। और 2012 में उन्होंने अपने बच्चों के साथ मुंबई छोड़ दिया। नासिक में एक छोटे से फ्लैट में स्मृति जी अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो गईं, जो उनकी बहन ने मदद के लिए उन्हें दिया था। बच्चे नादान थे, दिमाग से कमजोर भी थे, इसलिए अपनी मां की कोई मदद भी नहीं कर पाए। बस कुछ लोग जो कल भी उनके साथ खड़े थे आज भी उनके साथ खड़े हैं, जिसमें स्मृति विश्वास की एक बहन और दुबई में एक कारोबारी सिंधी अंकल की फैमिली शामिल है। 2011 में स्मृति विश्वास नाम से मेरा परिचय हुआ और मैंने उनसे राखी बंधाई। वो मुझे आई मांगते नहीं, मतलब दिल से क्यों वो पूरे मतलब मुझे भी ऐसा लगा उस पुराना रिश्ता है दीदी से, वो किसी परिचय के मुताज नहीं है, उनका इतना बड़ा नाम है। लेकिन 1930 टू 1960 तक अभी तो वो लोग भी जिंदा नहीं होंगे जिन्होंने इनके बारे में सुना होगा, लोग भूल गए हैं। लेकिन अपने समय में बहुत बड़ी हस्ती है फिल्म इंडस्ट्री के, उनके दर्शन मात्र मिलना 60s और 70s में बहुत बड़ी बात थी। उनमें जो कला है बात करने का, उनमें जो अपने सेल्फ ड्रेसिंग का सेंस है और जो उमर है ह्यूमनिटी के हिसाब से इज वेरी वेरी लवली। एंड उनका ब्रेन पूरा अभी तक 98 में भी होमच एक्टिव, वो अपने हाथ से मेकअप करती है, माई बॉडी सुंदर लगती है।
मैं बहुत बहुत साल रहा, पिक्चर भी बनाया, उसके बाद इधर आया। लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं था। मनी पीपल हु न्यू अबाउट द रियलिस्टिक ऑफ माय लाइफ, दे हैव स्टार्टेड हेल्पिंग मी। फेमस नॉवलिस्ट गुलशन नंदा, जो कि स्मृति विश्वास के बहुत करीबी थे, उनका परिवार आज भी स्मृति विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। कितने मोटी थी। ये कैसी विडंबना है कि इतने पैसों वाली फिल्म इंडस्ट्री में चंद ही लोग ऐसे हैं जो अपनी सक्सेस को निभा पाए, वरना भगवान दादा, भारत भूषण, नवीन निश्चल और सतीश कौल, न जाने कितने ही नाम हैं जिनकी जिंदगी ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन मौत बड़ी ही गुमनामी और तकलीफों भरी हुई। क्या कोई ऐसा प्लान हमारी इंडस्ट्री में है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 या 60 साल या उससे ज्यादा इस इंडस्ट्री को दिए हैं? वो कोई भी हो, एक्टर या एक्ट्रेस, टेक्नीशियन या लाइटमैन, या क्रू मेंबर या डांसर, आज गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। बंबई याद आता है? समझ में नहीं आया, कान में बंद होता। ये किसकी गलती है? क्या इंडस्ट्री का फर्ज नहीं बनता ऐसे लोगों के लिए फंड या पेंशन्स का इंतजाम करें, ताकि वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकें? क्योंकि एक उम्र के बाद आपको सहारे की जरूरत पड़ती ही है। सोचिएगा, ताकि फिर कोई स्मृति विश्वास ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर ना हो। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित इस अदाकारा की स्मृति भारतीय फिल्म इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी, ऐसा हमें विश्वास है। मुझे आज भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री से कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि जो उसने मुझे दिया है उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। ये इंडस्ट्री कल भी मेरी थी, आज भी है और मेरे बाद भी मेरी रहेगी। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख।